Assalamu alaikum, this is Maria Zahid and welcome to my kitchen and welcome to my new vlog. So friends, उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे. और आज का जो vlog है वो एक बहुत ही सादा सा एक प्रोडक्टिव सा vlog है, जिसके अंदर ऑडियो मैं डब कर रही हूँ ऑफकोर्स, लेकिन मैं यहाँ पर बताने की कोशिश थी कि मैं लग रहा है मैं थोड़ी सा वेट मैंने रिड्यूस किया है, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा. एनीवेज, तो आज का जो वीलॉग है इसके अंदर कुकिंग हो रही है किचन में. और अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला सेब मैंने काटा अब्दुल्ला को देने के लिए वो ख़राब था, तो मैं फ्रिज से पे थोड़े से और फ्रूट्स निकाल कर लेकर आई. बिकॉज़ मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों को शाम में स्नैक्स के तौर पे अगर मैं फ्रूट दे दूँ तो बहुत अच्छी बात हो, और बच्चे खा भी लें तो और अच्छी बात हो जाती है. तो मैंने खैर कुछ यहाँ पे एप्पल्स और कुछ पियर अमरूद जो है मैंने काटे, और मैं अब्दुल्ला को भी मैंने दिया, मैंने अलियान के लिए भी रखा, और मैंने ख़ुद भी थोड़े से फ्रूट्स खाए. और साथ ही साथ मैं करूँगी खाने की तैयारी आज. तो अभी ये मैं अब्दुल्ला को देकर आ गई हूँ फ्रूट्स, और अब ये मैंने अलियान की प्लेट अलग कर दी है और अपनी भी अलग कर दी है मैंने प्लेट. तो बहरहाल फ्रूट्स ज़रूर खाया करें दिन में, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है. साथ ही साथ मैंने शुरू कर दी है प्याज को चॉप कर रही हूँ, काट रही हूँ, क्योंकि मैंने आज बनाना है मटर कीमा. और दूसरा जो मैंने खाना बनाना है वो है चने की दाल लौकी. तो ये मैंने आई थिंक चने की दाल जो है वो रखी हुई है बॉईल करने के लिए ऑलरेडी, जिसको मैंने भिगो लिया था पहले, वो बॉईल हो रही है. और साथ मैंने प्याज काट लिए हैं, टमाटर मैंने फ्रीज़ किए हुए होते हैं तो बहुत इजीली मेरे टमाटर सारे जो हैं यहाँ पे मैंने काट लिए हैं छोटे छोटे पीसेस में, ठीक हो गया जी. अच्छा जी, उसके बाद बात सिर्फ इतनी सी है कि कामों से घबराना नहीं चाहिए. अच्छा, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं कम से कम दो खाने तो एक साथ ही बना लूँ ना, ताकि फिर प्रॉब्लम नहीं होती है. तो साथ ही मैंने अपने लिए जौ का दलिया जो है वो भी रखा है, ओट्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी मिर्च डाल के मैंने ओट्स को पानी में डाल के रख दिया है, ताकि वो भी अपना साथ साथ बन जाए. और उसके बाद ये मैंने टमाटर जो है रख दिए थे फ्रिज में, मैंने कहा जब तक हांडी बनाना शुरू करूँगी तो वो बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए. अब मैं जा रही हूँ अपने फ्रूट्स खाने. ये मेरा बेटा यहाँ पे हमारा ही व्लॉग देख रहा है, और मैं हूँ बैठी. फैसल गए हुए थे काम से ज़रा, और अलियान आई थिंक खेल रहा था कहीं कमरे वमरे में या बाहर खेल रहा था आई थिंक, हाँ. तो उसके बाद मैं अलियान को लेकर आई थी, क्योंकि मगरिब का टाइम हो गया हुआ था, बच्चों ने पढ़ाई कर ली थी, पढ़ने के बाद अलियान खेलने गया था. तो उसके बाद आया अलियान, तो मैंने अलियान को फ्रूट्स दिए और अलियान फ्रूट्स खा रहा है, मैं भी फ्रूट्स खा रही हूँ. अब्दुल्ला की थोड़ी सी तबीयत अपसेट थी, अब्दुल्ला ने वॉमिट कर दी थी, तो मैंने उसको इसलिए अपनी गोद में बिठाया हुआ है कि वो बच्चा जो है ना मेरा, थोड़ा सा मैं उसको पैम्पर कर सकूँ अपनी गुल्ली को. तो अब अलियान साहब जो हैं वो फ्रूट्स खा रहे हैं, और पता नहीं किस बात पे नाराज़ थे, ज़्यादातर ये नाराज़ ही रहते हैं. और ये जो है मेरा मुन्ना जो है मेरे साथ खेल रही थी. तो ये खुश हो रहा था इस तरह मोबाइल करीब और दूर करने से. यहाँ पे मैं आई हूँ तो मेरे ओट्स पक रहे थे, मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चम्मच चला के मैं इसकी आई थिंक आग मैंने स्लो कर दी है अब यहाँ पे, और थोड़ा सा मैंने पानी और ऐड किया होगा इसमें यकीनन. और यहाँ पे चने की दाल जो है मेरी ऑलमोस्ट बॉयल हो गई हुई है, ये आधा किलो के करीब दाल थी जो कि मैंने सोचा था कि मैं दो हिस्सों में बना लूँगी, लेकिन यहाँ पर सब जो है ना वो मैंने एक साथ ही बना ली. उसके बाद यहाँ पर मैंने ओट्स में थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, और आई थिंक मैंने नमक डाला है सिर्फ, और कुछ डाला नहीं है. तो ये वो लौकी कितनी, देखे मैंने शॉट लिया लौकी का, कितना प्यारा शॉट लिया है जो दाल में डलेगी. और ये फैसल लेकर आ गए थे, थोड़ा सा सामान मैंने इनसे मंगवाया था, कीमा चिकन और फ्रूट और जौ का जो है वो आटा लेकर आए थे, क्योंकि मैं आजकल जौ के आटे की रोटी जो है वो बनाती हूँ, और जो कि मैं पहले कभी नहीं करती थी काम, कोशिश करती हूँ कर लूँ, क्योंकि मैंने रोटी कभी बनाई नहीं है, तो मेरे अजीबोगरीब नक्शे ही होते हैं, लेकिन खा लेती हूँ मैं. तो यहाँ पे मैं फैसल से एक्चुअली पूछ रही थी कि मैं कीमे में क्या डालूँ, चने की दाल डालूँ या मटर, तो फैसल ने कहा मटर डालूँ, चने की दाल कौन डालता है, मैंने कहा मैं हमारी अम्मी तो डालती थी भाई. यहाँ पर बहरहाल मैं कीमा मटर बनाने लगी हूँ, उसके लिए मैंने ऑलिव ऑयल लिया है वो डाला है. अच्छा, ऑयल्स मेरे घर मस्टर्ड ऑयल में भी खाना पकता है, ऑलिव ऑयल भी पकता है, और जो नॉर्मल ऑलिव ऑयल आपने नाम अगर सुना हुआ है उसमें भी बना लेती हूँ. उसमें मैं बहुत कम बनाती हूँ, फ्राइंग श्राइंग कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि खाना मोस्टली मैं अब ऑलिव ऑयल और या सरसों में ही बनाती हूँ. तो ऑलिव ऑयल में मैं कीमा मटर बना रही हूँ, और यहाँ पर मैंने दलिए के अंदर जो है ना पॉरेज में ओट्स में मैंने नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और यहाँ पर मैंने प्याज थोड़े से मेरे लाल हुए तो मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए हैं, और
कोशिश की है कि डिफरेंट एंगल से आपको दिखाऊं, कुछ आपको एंटरटेनिंग लगे। अगर पसंद आया है ये वीडियो, अच्छी लग रही है, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं इस तरह की और वीडियोस भी बनाऊंगी। तो घर के कामों में, ऑफिस के काम में दिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजर जाता है, लेकिन कभी कभी मैं डिप्रेशन में भी चली जाती हूँ, बिकॉज आई फील सो लोनली समटाइम। बट ऐसा आई थिंक सबके साथ ही होता है, बिकॉज आप कभी काम एक ही रूटीन से आप थक भी जाते हो। तो जब तक मैं बाहर जाती थी ना घर से बाहर काम करने के लिए, तो मैं बहुत वो रहती थी, मतलब पता नहीं, उस वक्त भी मैं कहती थी यार मुझे टाइम नहीं मिलता घर पे गुजारने के लिए। अब घर पे गुजारती हो टाइम, तो कहते बाहर जाने का टाइम नहीं मिलता। इंसान ना किसी हाल में खुश नहीं है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह आई एम एंजॉइंग एवरी बिट ऑफ माई लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह। और यार मैंने कीमा डाला और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट साथ डाल दिया, मटर प्याज डल चुके हैं इसके अंदर और इसको मैं भून रही हूँ। और नमक डाला मैंने इसके अंदर, मैं अब डालूंगी हल्दी, और मैंने डाली इसके अंदर लाल मिर्च और गरम मसाला, ये मसाले जो मैंने इसमें डाले। तो बहरहाल मज़ा आ रहा है मुझे, बड़ा एक पुरसकून सा वीलॉग लग रहा है और देखने में मज़ा आ रहा है। तो कीमा मटर मैंने इतना बना लिया था कि हमारा दो टाइम जो है वो इजीली चल जाए। मैं जब भी कोशिश करती हूँ कि मैं इतना बनाऊँ कि इजीली हो जाए, क्योंकि कीमा मटर एक ऐसी चीज़ है, अगर मेरे बच्चों को नेक्स्ट डे भी अगर खाना होता है तो मैं पास्ता के अंदर मिक्स कर देती हूँ या स्पेगेटी में बना लेती हूँ, तो फैसल भी शौक से खा लेते हैं, मैं भी ये है। यहाँ पर मैंने दूसरी अपनी जो हांडी मैंने बनानी थी लौकी और चने की दाल, उसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। और मैंने यहाँ पर लौकी को छोटे छोटे क्यूब्स में मैंने काट लिया है। पीछे मेरा मुन्ना मेरे पास आ गया, तो मैंने उसकी थोड़ी सी पत्तियाँ चुमियाँ ले ली, और वैसे पतली लग रही हूँ मैं आपस की बात है पहले की नस्बत। तुम लोग क्या कहते हो देख के मुझे कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं कर रही हूँ एफर्ट्स, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तो और यहाँ पे मेरी चने की दाल बॉईल हो गई थी, तो चूंकि ये आधा किलो थी ना, तो मैंने इसमें से आधी जो है ना मैंने सेव कर ली है। याद आया मुझे, पहले मैंने कहा था मैंने सारी मैंने बॉईल करके आधी फ्रीज कर दी है, ताकि वो नेक्स्ट जब भी मुझे ज़रूरत हो तो मैं वो बना लूँ। और कुछ दाल मैंने अपने ओट्स में भी डाल दी थी बॉयल चने की दाल, तो बड़ा मज़े का एक बन गया था, एक समझ लो एक सुपर फूड काइंड ऑफ। तो अभी ये चने की दाल और लौकी जो बनाने लगी हूँ, मैंने उसके लिए पैन निकाली और ये मैं बना रही हूँ सरसों के तेल में। तो ये मैंने इसमें सरसों का तेल डाला है, और इसके बाद इसमें मैंने प्याज डाल दिए हैं, इसके बाद मैं इसके अंदर ज़ीरा डालूंगी, लहसुन अदरक डालूंगी, फिर लौकी डालूंगी, कीमा मटर उधर चल रहा है, यहाँ पे मसाले डालना शुरू कर दिए मैंने, लौकी डाल दी हुई है, हल्दी वगैरह डालूंगी, सारे मसाले डाल के इसको मैं भूनूंगी और फिर दाल एंड में ऐड करूँगी टमाटर डालने के बाद, मसाला बनाने के बाद, क्योंकि दाल मेरी ऑलरेडी बॉयल है। तो बड़ा पसंद आया था माशाल्लाह फैसल को, रात को दोनों खाने बहुत अच्छे लगे थे। तो ये वीडियो एक्चुअली कल की है, मैं आज इसकी रिकॉर्डिंग आज कर रही हूँ, तो आप लोग ये आज देख सकेंगे खैर से इंशाल्लाह कुछ ही देर में। तो बस यही सब चलता रहता है, बच्चों के नहलाइयाँ धुलाइयाँ पढ़ाइयाँ ऑफिस काम ब्रांड, और कोशिश यही करनी चाहिए कि अपनी सुबह और अपने दिन को प्रोडक्टिव रखना चाहिए, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, कीप योर माइंड बिजी, बिकॉज जब आपके पास कुछ नहीं होता ना करने के लिए, तो आप बस फजूल बातें सोचते हो। तो यहाँ पे खाना वाना खा लिया था हमने, और ये लोग लूडो खेल रहे थे, और तकरीबन 10-11 बज गए हुए थे, दिन गुजर गया था। तो यहाँ पर मैं और अब्दुल्ला बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।